राहुल गांधी अपने चुनावी क्षेत्र अमेठी में हैं, शिव भक्ति में जुटे हुए हैं। राफेल पर पूरी सरकार, पूरी बीजेपी से अकेले टकराने वाले राहुल गांधी आज अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में हैं। जब से राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे, पार्टी उनकी छवि शिव भक्त के तौर पर पेश कर रही है और देखिए उसी कवायद का एक हिस्सा यह भी। आज अमेठी में कार्यकर्ताओं ने राहुल की शिव भक्त इमेज पेश करने की कोशिश की है और देखिए किस तरह से उनकी ब्रांडिंग की जा रही है। राहुल गांधी की सभा में करीब 2 दर्जन युवक भगवा कपड़े में मौजूद थे। आपको याद होगा गुजरात चुनाव के दौरान भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला था कांग्रेस ने और एक बार फिर से शिव भक्त राहुल गांधी। और ये देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, आप देख सकते हैं भगवा रंग के कपड़े में कई लोग वहां मंच पर नजर आए हैं, ये शिव भक्त मंच पर, ये तस्वीर भगवान शिव की और पहले पूजा आराधना की यहां पर राहुल गांधी ने। राहुल गांधी अपने 2 दिन के संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं फुर्सतगंज में, जहां पर जो कांवड़िए हैं और जो शिव भक्त हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद शिव भक्त रूप में स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो उनके यहाँ के अमेठी के नेता हैं, उन्होंने ये तैयारी कर रखी है जहाँ पर शिव भक्त के रूप में राहुल गांधी को दिखाया गया है। तमाम तस्वीरें लगाई गई हैं, बैनर और पोस्टर लगाया गया है। यहाँ पर जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पंडित हैं वो यहाँ पहुंच करके मंत्र से, इसके अलावा जो शंख बजा करके उनका स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पर वो पूजा भी कर रहे हैं राहुल गांधी। और इस तरीके से कहीं न कहीं जो शिव भक्त राहुल गांधी का की जो इमेज है वो दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और ये 2 दिन का जो दौरा है, 2 दिन के दौरे में वो तमाम कार्यक्रम करेंगे जिसमें उनकी जो निगरानी कमेटी की बैठक है, इसके अलावा कई कार्यक्रम और हैं। लेकिन उसके पहले जो शुरुआत है वो फुर्सतगंज के इस इलाके में, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद जब यहाँ पहुँचे हैं, जो स्वागत समारोह किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ के जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं प्रदीप सिंघल, वो उनका किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। पहले उन्होंने उनके गले में चुन्नी डाली, इसके बाद अब उनको एक भगवान शिव की तस्वीर पेश करके दे करके स्वागत कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी है और खास करके अमेठी की जो कांग्रेस पार्टी है, जो नेता है, वो कार्यकर्ता है, शिव भक्त के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं राहुल गांधी को। और मस्तक पर चंदन लपेट कर पूरी तरीके से शिव भक्ति में डूबे नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर उनके स्वागत के लिए कांवरियों और पंडितों का बाकायदा एक जत्था बुलाया गया था जो पूजा पाठ करेंगे। बुलाए गए पंडित वाराणसी से भी आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिन दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई, साथ ही साथ एक धार्मिक अवतार दिखाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से आप देख सकते हैं शिव भक्त उनको दर्शाया गया है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद पहली बार जब आ रहे हैं तो एक विशेष तैयारी उनके लिए की गई है। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शिव भक्त हैं, आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों ने क्या तैयारियां की है और शिव भक्त के रूप में क्यों दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के तो आप उनको हमेशा से सांसद अपने परिवार में मानते रहे हैं। जी हम लोग जो हैं बहुत पुराने समय से जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये राहुल गांधी के साथ हम लोगों का एकदम सान्निध्य है और अपार निष्ठा है। हम लोग तन मन से किसी प्रकार की बात है, हम लोग जो है उनके साथ हैं और उनको अगला प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं। इस मानसरोवर यात्रा के बाद जब पहली बार आए तो पहली बार मैंने देखा, पहली बार ये लिखा, पहले ही लिखा जाता था कि यहाँ के सांसद या उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर अब अध्यक्ष लिखा जाता था, लेकिन पहली बार शुभक लिखा जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा करके जो आ रहे हैं
और शिव जी के दर्शन के उपरांत उनका नाम जो है, इसीलिए शिव जी का पूजन वंदन करने के बाद वो यहाँ पर प्रथम बार आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ वेद मंत्र से उनकी तैयारी करेंगे, वेद मंत्र से उनका स्वागत करेंगे और उनको जो है शिव भक्त जो कि हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बनारस से आए हैं, काशी से। ये है ABP News, आपको रखे आगे।